नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हो रही है गठबंधन की रस्म। तो इस रस्म के बाद कौन सी ऐसी रस्म थी जो उसके बाद ये रस्म शुरू हो गई? इसके बिना हर रस्म अधूरी रहती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जो है आशा करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी रियल ब्लॉग में दोस्तों, और मेरे गीत के चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल पर, गीत के चैनल लोक गायिका मुन्नी दुबे पर भी आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, मेरे यहाँ यह रस्म अगर ना हो तब तक दुल्हन कुछ ना तो करती है और ना कोई और भी कोई कार्यक्रम नहीं होता है, जो है यह रस्म करना बहुत ही ज़रूरी है। इस रस्म के बिना शादी ही अधूरी रहती है, जो है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जो है सब रस्म और रिवाज के साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो पसंद आती है ना तो कमेंट कर दिया करें ना कि हाँ आपकी वीडियो अच्छी है, और मायके से शायद ये लास्ट वीडियो हो सकती है या एक आध और मिल जाएगी आपको दो, बाकी अब हमारे पास वीडियो नहीं है, जो है क्योंकि तिला दो चौथी होता है, बहुत सारे कार्यक्रम आगे पीछे, पूजा पाठ, दुर्दुरिया, छठ माता, ये सब सारा कार्यक्रम दुल्हन आने के बाद, शादी के बाद, चाहे बेटी की शादी हो चाहे वो बेटी की शादी हो, तो ये सब कार्यक्रम जो है चलता रहता है हमारे यहाँ। लेकिन अब हम लोग अपने ससुराल आ गए, जिम्मेदार आदमी हैं, बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले घर है, परिवार है, तो दूसरे दिन ही आना पड़ा। और जो है तो अब हम आपको दिखाएंगे, आज जो है हमारे यहाँ जब दुल्हन आती है तो गठ जोड़वा की रस्म होती है, उसे गठबंधन कहते हैं। और वो भी बहुत ही, ये नहीं है कि दुल्हन आई है तो जब ही चाहे तभी कर लो, 7 बजे 8 बजे 9 बजे क्यों नहीं कर सकते हम इसको, कि इसका भी एक टाइम होता है, एक लगन होती है कि इतने बजे की साइत है गठबंधन की, ठीक है, उतने बजे ही गठबंधन किया जाता है। ना कि अगर आज साइत नहीं है तो ना तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा देखेंगे और ना दुल्हन कुछ कार्य करने जाएगी, जैसे हमारे यहाँ खिचड़ी चिड़ी छूने की जो रस्म होती है, तो दूसरे दिन जब साइत रहेगी सुबह शाम कभी भी तब होता है, नहीं तो दुल्हन के आते ही कभी कभी, नहीं तो भद्रा लग गया, कोई भी नखत हो गया, तो ये रस्म रोक दी जाती है जो है। तो चलिए वीडियो दिखाते हैं आप लोग को और इन्जॉय करिए आप लोग, वीडियो कैसी लगती है कॉमेंट करके बता दीजिएगा हमको। बार बार शॉर्ट में आ गया था सो हाय एवरीवन, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दुल्हन सज धज के आ गई है, जहाँ पर पूजा करनी है यानी बैठ गए हैं लोग, जो है पंडित जी आए हुए हैं, और ये हैं प्रियंका यानी उनकी बंधु की ननद वंदना की, और मोहित हैं, तो कोई ना कोई साथ में लेके बैठता है जो है, तो वही वो बैठी हुई हैं, क्योंकि हाथ निकाल के जो कुछ भी करवाना रहता है घर का, जो सदस्य पास में बैठे रहते हैं वही वो सब चीज़ें करवाते हैं। बाकी यहाँ पर सब हमारी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, सीमा हैं और मौसी हैं, गाँव की जितनी भी औरतें आती हैं और हमारे घर की जो भी हैं सब लोग बैठी हैं और यहाँ पर जो है पूजा हो रही है। तो इसके बगैर जो है गठबंधन के बगैर शादी संपन्न नहीं होती है, मतलब संपन्न तो हो ही जाती है, लेकिन ये चीज़ क्या होता है कि एक पवित्र रिश्ता है, बंधन है, इससे जो है रिश्ता एकदम से बंध जाता है। यहाँ पर प्रिया के मतलब वो नहीं था, क्या बोलते हैं, बिंदी नहीं थी माथ पर, तो मैंने बोला कि ये गुरु शायद भूल गई थी, कहते हैं ना अपने काम में, कई सारे लोगों ने बोला मेकअप नहीं किया है, ये नहीं वो नहीं, मतलब बहुत सारे कॉमेंट आते हैं उनके भी वीडियो में प्रियंका के जो है, तो मैंने बोला लगा लो अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोली बुआ देखे नहीं क्या कैसे है, बहुत थक गए हैं क्योंकि बारात भी गई हुई थी इसकी वजह से। तो ये चीज़ देखिए जो है 5 बार दूल्हा दुल्हन के हाथ में करता है, मतलब चावल को और लड्डू को गिराता है, और 5 बार जो है दुल्हन दूल्हे के हाथ में करती है, तो वही सब दीदी बता रही हैं करने के लिए जो है।
और हंस रहे हैं लोग, प्रियंका भी हंस रही है क्योंकि हो सकता है उसे अपना समय याद आ गया, क्योंकि सबके लाइफ में ये चीज़ ज़रूर होती है, गठबंधन होता है और ऐसा ही रीति रिवाज है। कुछ 19-20 होता होगा लेकिन यह चीज़ हर जगह होती है शादी के बाद पहले दिन, जबकि साइत रहती है तभी होता है। आशा करती हूँ हमारी दिखाई गई वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर, मेरे चैनल पर आते हो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं। हाय एवरीवन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जो है कमेंट करके बताना, कतई ना भूले। जो चैनल पर नए आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे यहाँ पर शादी विवाह की ऐसी ही रस्में होती हैं जो है इसी तरीके से शुरुआत होती है। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे यहाँ की रस्में, जब तिलक हो जाता है या जो है तब गीत उठता है, फिर बांस गढ़ता है, फिर बहुत हर तरह की छोटी छोटी रस्में होती हैं जो कि लगन सीजन में ही शुभ साइत में ही होती हैं। बांस गढ़ने की भी साइत रहती है। सब चीज़ों का मतलब एक अलग ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बस जब जो चाहे लगन हो गई है, शादी का तारीख फिक्स हो गया है तो आप जब चाहे जो कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये थी गठबंधन की वीडियो जो है, गठजुड़वा हमारे यहाँ कहते हैं। थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था, नहीं तो गीत वगैरह सुनाते गठबंधन पे, जैसे देवी गीत और बन्ना बन्नी गीत अच्छा अच्छा गाया जाता है। और बाकी का पूजा होता है, पंडित आते हैं और उसमें क्या रहता है कि जो दौरी पे रखा रहता है 5 लड्डू और चावल, तो उसमें से 5 अजूरी चावल दुल्हन और जो है वो लड्डू मिला के पंडित जी को दिया जाता है, और नाउन को दिया जाता है, जो नाउन ठकुराइन होती हैं उनको दिया जाता है। तो 5 ही रखा जाता है दौरी पे। उसके बाद घर से मिला करके 2-2 लड्डू 2 पंडित को और 2 नाउन को दिया जाता है। फिर घर से मिला के 5-10 जो भी आपको देना है दे सकते हैं, और प्लस उसमें से 1 लड्डू मिला करके घर में जो लड्डू है जितनी बहनें आई रहती हैं उसमें प्रसाद के तरीके से बाँट दिया जाता है। वो चीज़ जो है यह भी होता है। तो चाहे आपके यहाँ कम है तो टुकड़ों में करके बांटो, नहीं तो भैया हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इस शादी में मीठा बहुत इतना ज़्यादा आया था कि क्या ही बताएं। और बहुत बढ़िया मीठा बना था बंधु के यहाँ, उनके मायके से जो लड्डू वगैरह आए थे, मतलब क्या ही बताएं कि जो हलवाई भैया थे उनका भी थैंक्स कहना है। इतना टेस्टी मीठा था, क्योंकि बनवाते लोग सभी हैं, खर्च भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ हलवाई लोग भी बिगाड़ देते हैं मिठाई को। तो गांव की जो गोतिन होती हैं लेके जाती, बोलती भैया इनके यहाँ बहना अच्छा नहीं आया है, मीठा नहीं है, लेकिन इनके शादी में बहुत बढ़िया मीठा आया हुआ था जो है। तो कुछ इस तरीके से संपन्न हुआ पूरा विवाह का कार्यक्रम। अब इसके बाद होगा चौथी आएगी और मौरी का पूजन, जो कोहबर का मैंने आप लोगों को बताया है, खिलाया पिलाया जाता है वो होगा। तो वो सब कार्यक्रम आपको प्रिया दीप आराध्या के चैनल पर देखने को मिलेगा, और साइन विद बंधु जो है वो अपने मायके की वीडियो डाल रही हैं, उसके बाद उनके चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप लोग तो वैसे भी उन्हें आगे बढ़ा रहे हो, जो नए आते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना, जैसी वीडियो आपको चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं अपनी लाइफ, अपनी जर्नी, अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मायके की वीडियो एक, अब जो मुझे हम लोग को गिफ्ट मिला है वो दिखाना है एक वीडियो में, एक आधा और हो सकती है कुछ पड़ी हो। चलिए फिर मिलते हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।